नमस्ते, अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो चुका हो तो आपको अपने अकाउंट को गलत एक्टिविटी से बचने के लिए आपको अपना एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाना होगा। ब्लॉक करवाने के लिए आपको तीन तरीके हैं। एक तो आप एसएमएस के माध्यम से आप कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। दूसरा, कस्टमर केयर को फ़ोन करके आप अपना पूरी जानकारी देने के बाद कस्टमर केयर के द्वारा भी आप अपना कार्ड बंद करवा सकते हैं। तीसरा है नेट बैंकिंग के माध्यम से, अर्थात आप ऑनलाइन के सहारे आप नेट बैंकिंग से आप अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप आसानी से खुद से आप अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको नेट बैंकिंग के सहारे आप कैसे अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन होगा ही, साथ में मैं आपको लैपटॉप में यूज करके आपको क्रोम ब्राउजर के सहारे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन सा पेज खुलता है। सेम पेज आपको मोबाइल फ़ोन में भी खुलेगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर देना है। क्रोम ब्राउजर में आपको क्लिक कर देने के बाद आपको गूगल सर्च कर लेना है, और गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है SBI, जो मैंने पहले से ही टाइप कर रखा है। SBI नेट बैंकिंग आपको सर्च कर लेना, टाइप कर देना है और उस पर क्लिक कर देना। उस पर आप जो ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का आपको पेज खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग। पहले वाले पर आपको क्लिक कर देना है। पहले वाले पर आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पेज खुलेगा। इसमें आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाना है और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे एक इमेज मांगा जा रहा है, जो नीचे कैप्चा दिया हुआ वो कैप्चा इसमें डालना है। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा ही, वो यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो आप जो ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ देखिए वन टाइम पासवर्ड मांगा जा रहा है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड का मतलब है कि OTP बेस्ड हो गया, यानी अब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ रजिस्टर डाल देना है। तो वो OTP आपको अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ डाल देना है, मैं फ़िलहाल डाल दे रहा हूँ। OTP डाल देने के बाद यहाँ आपको सबमिट कर देना। आप जो ही सबमिट करेंगे तो आपका जो नेट बैंकिंग का पेज है कुछ इस तरह से आपको खुलेगा, जिसमें कि आपका यहाँ नाम दिखाई देगा, यहाँ अकाउंट नंबर, बगल में ब्रांच का नाम, और यहाँ से जो भी चीज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपना ATM ब्लॉक करना है ऑनलाइन के माध्यम से आप नेट बैंकिंग से, तो आपको सबसे पहले यहाँ चलना है। आपको इस सर्विस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें कि आपको देखिए यहाँ पर ATM कार्ड सर्विस लिखा दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। ATM कार्ड सर्विस पर आपको क्लिक करना है। ATM कार्ड सर्विस पर आप क्लिक जो ही करेंगे तो देखिए ब्लॉक ATM कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिसमें कि ATM कार्ड का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो ब्लॉक ATM कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। ब्लॉक ATM कार्ड पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, अकाउंट टाइप और सेलेक्टेड अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। आप जो ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको फिर से एक बार अकाउंट नंबर आएगा, उसके बाद अकाउंट टाइप और ATM कार्ड नंबर, यानी कि जो आपका अकाउंट ATM कार्ड का नंबर था पहले वही ATM कार्ड का नंबर अभी आपको दिखाई देगा। उस पर आपको यहाँ पर एक क्लिक करके यहाँ जो एक बिंदु खाली था उसको आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे ये कार्ड स्टेटस अभी एक्टिव है क्योंकि आपका गुम हुआ है, आप तो बंद करवाए रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको नीचे कर देना है। नीचे करते हैं सेलेक्टेड कार्ड नंबर आपको वही है, रीजन आप कोई सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि आपका गुम हो चुका है तो लॉस्ट यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, और रिमार्क, रिमार्क में आप कुछ भी रिमार्क कर दीजिए जो मन हो। तो मैं फ़िलहाल कार्ड लॉस्ट लिख दे रहा हूँ, इसमें रिमार्क कर दे रहा हूँ। कार्ड कार्ड सिर्फ कार्ड लिख दीजिए चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर सबमिट कर देना है। आप जो ही सबमिट करेंगे तो ये देखिए डू यू वॉन्ट टू ब्लॉक दिस कार्ड, मतलब एक बार आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कार्ड ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके आप जो ही करेंगे तो आपको ये पूरा फिर से खुलेगा, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि आप जो भी अकाउंट सेलेक्ट किए हैं, जो कार्ड नंबर सेलेक्ट किए हैं वो आप देख लें ठीक से, और फिर उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दें। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो पेज सिक्योरिटी कोड मांगा जाएगा, यानी कि आप OTP के सहारे आपको ब्लॉक करना चाहते हैं या प्रोफाइल पासवर्ड, यानी कि आप जब भी ATM आप जब भी नेट बैंकिंग आप ओपन किए तो उस समय एक आपका प्रोफाइल का जो सारा बायोडाटा होता है वो प्रोफाइल में आता है, तो उसके लिए आपको एक अलग से पासवर्ड सेट करना होता है। अब या तो आप चाहें तो उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो नहीं तो आप यूजिंग वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के सहारे, यानी आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो आप OTP आपके एक फ़ोन पर जाएगा। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए अब मेरे फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो OTP मुझे यहाँ डाल देना है, और आ भी गया है, मैं वो OTP यहाँ डाल दे रहा हूँ फिलहाल।
8 8 7 7 2 3 8 5 0। मैंने ये OTP डाल दी, अब यहाँ से मुझे सबमिट कर देना है। जो ही मैं सबमिट करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है नज़र आ रहा है कि योर डेबिट कार्ड नंबर इतना ही बिन ब्लॉक सक्सेसफुली, काइंड नोट द टिकट नंबर इतना, यानी कि जो मेरा ये ATM कार्ड था वो ब्लॉक हो चुका है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ये टिकट नंबर लिख लीजिए, इस पर आपको कंप्लेंट करने का अधिकार है, आपसे पूछा जाएगा जो आपका टिकट नंबर क्या है। तो इस तरह से आप अपना ATM कार्ड आप ब्लॉक करवा सकते हैं आप नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो कुछ इस तरह का जानकारी था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।